नमस्कार, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो है उनमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में लगभग बहुत सारा कवर कर चुका हूँ। इस वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी एनालिसिस। तो इसके लिए जो कंडक्टिविटी है उसकी क्या एप्लीकेशन है उसके एनालिसिस के द्वारा, तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो आप, जब मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आरएनएस इक्वेशन पढ़ाई थी, आरएनएस थ्योरी पढ़ाई थी, तो क्या थी आरएनएस के अनुसार किसी दिए गए विलयन की प्रेक्षित चालकता तथा अनंत अनुता पर उस विलयन की चालकता के अनुपात को ही उस विलयन की वियोजन की मात्रा कहते हैं। आपने जो चालकता प्रेक्षित की उसको मैंने दे दिया लेमडा सी, और उसी इलेक्ट्रोलाइट को मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया अनंत तन्वता तक, तो उसकी जो चालकता है एल्फा लेमडा इन्फिनिटी, तो लेमडा सी और लेमडा इन्फिनिटी का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, अल्फा। देखिए लेमडा सी का मान सामान्य परिस्थितियों में तथा लेमडा इन्फिनिटी का मान कोलराउस नियम की सहायता से प्रकृत करके इनका मान उपरोक्त समीकरण में रखते कर इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा का मान ज्ञात किया है, अल्फा का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखो लेमडा सी तो आप सामान्य परिस्थिति में ज्ञात कर ही सकते हो, लेमडा इन्फिनिटी कैसे निकाल देते हैं, कोलराउस नियम से। दोनों का जो रेशियो आएगा वो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इक्वल आ जाएगा, कितना इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड। इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है। यदि वीक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 mol/L हो, साम्य पर इसके वियोजन की मात्रा अल्फा तथा सांद्रता सी mol/L हो, तो मैंने एक वीक एसिड माना एच ए, ये टूट रहा है एच प्लस और ए माइनस आयन में, यानी ये प्रोटॉन दे रहा है एच प्लस और ए माइनस, एसिड है तो प्रोटॉन देगा ही देगा, तो ये टूटने का जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ जो इसका कॉन्स्टेंट है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वो है के ए, तो ये इसको कैलकुलेट करना है। माना कि इनिशियल स्टेट में अपन ने जो वीक एसिड है उसका 1 mol लिया, उस टाइम पे इनिशियल स्टेट में ये बिल्कुल भी नहीं टूटा, उस टाइम पे जो H प्लस और A माइनस बनेंगे कितने बनेंगे, 0 0। इक्विलिब्रियम पर माना कि कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया टूटने के बाद, तो इनकी डिसोसिएशन कितना हो गया, अल्फा। अल्फा क्या था, डिसोसिएशन की मात्रा। तो अगर ये H प्लस आयन अल्फा बन गया, A माइनस आयन अल्फा बन गया, तो इधर कितना बचा है 1 - α, यानी कि 1 में से अल्फा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। और एट कंसंट्रेशन C, तो ये तो 1 mol की बात होती है, अब C कंसंट्रेशन पे तो ये C C का सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कंसंट्रेशन थोड़ी चेंज होगी। V नॉट एट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या रहेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सो दैट के ए इज इक्वल टू एच प्लस ए माइनस एच प्लस की कंसंट्रेशन, बड़ा ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करता है, और ए माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच ए की कंसंट्रेशन। ये गुलबर्ग और वागे के नियम के अनुसार था। आगे देखिए के ए बराबर एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा, और ए माइनस की भी सी अल्फा डिवाइडेड बाई एच ए कितनी, सी 1 - α, एक सी से एक सी कट हो गया, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर, तो के ए इज इक्वल टू आया है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - α। पुट दी वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू अभी मैंने इससे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाई थी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, वो क्या होता था लेमडा सी डिवाइडेड बाई लेमडा इन्फिनिटी। अब यदि मैं इस इक्वेशन में अल्फा की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूँ, लेमडा सी डिवाइडेड बाई लेमडा इन्फिनिटी, तो जो मेरे पास इक्वेशन आई वो वेल नोन इक्वेशन आई वो आई ये वाली, के ए बराबर लेमडा सी डिवाइडेड बाई लेमडा इन्फिनिटी का स्क्वायर सी अपॉन 1 - λc बाई लेमडा इन्फिनिटी। इसके द्वारा आप डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिटरमिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ लेस सोल्यूबल सॉल्ट। लेस सोल्यूबल सॉल्ट मीन्स स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली मीन्स होता है वेरी लेस सोल्यूबल। इसमें एक सिद्धांत लगेगा
वो ये लगेगा कि जब कोई सोल्ट लिया मैंने, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो इतना कम सोल्यूबल है, इतना कम सोल्यूबल है कि मैंने उसके 1000 मोल लिए। कितने मोल लिए? 1000 मोल लिए। 1000 मोल लेने के बाद भी उसके ओनली कितने मोल डिसोसिएट हुए? 1 या 2 मोल। तो उस सॉल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल डिसोसिएट हुए, मान ले जाइए 1000 मोलिक्यूल लिए मैंने, सॉरी मोल नहीं मोलिक्यूल, उस मोलिक्यूल में से 1 मोलिक्यूल या 2 ही मोलिक्यूल डिसोसिएट हुए हो, तो उस 1 या 2 मोलिक्यूल ही टूटेंगे आयंस में। जब इतने कम आयंस बने तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या मान सकते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, अनंत तनुता पर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सिद्धांत लगाते हुए अपन सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। तो देखिए, किसी निश्चित ताप पर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के संतृप्त विलयन की सांद्रता को ही उस पदार्थ की विलयता कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, किसी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी व कंसंट्रेशन के मध्य संबंध निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता। तो तुल्यांक की चालकता क्या होती थी? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी। अल्प विलय लवण जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेड सल्फेट, ये तीनों के एग्जांपल भी याद होने चाहिए। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोटेड आदि की जल में विलयता नगण्य होती है, अतः इनके सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को इनफिनाइट डाइल्यूशन के सॉल्यूशन के रूप में माना जाता है। आ गया ना ये पॉइंट, मैंने कहा था ये। जिनके लिए अबव क्वेश्चन में लैम्डा सी को किससे रिप्लेस कर देंगे? लैम्डा सी को लैम्डा इन्फिनिटी मान लेंगे, गोटेड से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसलिए जो लैम्डा सी बराबर कप इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी था, उस लैम्डा सी की जगह क्या कर दिया मैंने? लैम्डा इन्फिनिटी। अब लैम्डा इन्फिनिटी को मैं यहाँ ले आया तो सी आ गया, तो मेरे पास क्या कैलकुलेट होगी? सी बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन्फिनिटी। अब लैम्डा इन्फिनिटी को किससे कैलकुलेट कर लेंगे? कोलराउस नियम से कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो सी आ जाएगा। जैसे ही सी आया तो ये क्या आ गया मेरे पास? सोल्यूबल साल की कंसनट्रेशन आ गई। अब ये क्या आ जाएगी उसके किसके इक्वल रहेगी? ये उसकी सॉल्युबिलिटी के डिटरमाइन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सन। देखो, पुट दी वैल्यू ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी फ्रॉम कोलराउस लॉ एंड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल इन दी अबव इक्वेशन, इसी क्वेश्चन रख देंगे। वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ दिस लेस सोल्यूबल सोल्ट विच इज इक्वल टू इट्स सोल्यूबिलिटी। बिल्कुल रहेगी, कंसेंट्रेशन बहुत कम है, दस वी कैन डिटरमाइन दी सोल्यूबिलिटी ऑफ लेस सोल्यूबल ऑफ वेरी लेस स्पेसिफिकली सोल्यूबल सोल्ट। नोटेड। नेक्स्ट है, देखो यहाँ तक पढ़ लिया, अब इस सब जो आगे है चालकता मिति अनुपात वगैरह एक टॉपिक और बचा हुआ मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।